Good morning, nursery class. How are you? I am your EVS teacher, Garima ma'am. Ma'am, आपको EVS पढ़ाते हैं ना क्लास में? So, अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अनीता के बारे में, do you remember? So, first paper पे हमने क्या पढ़ा था? अपने खुद के बारे में, what is your name? My name is Anita, ठीक है? How old are you? I am 4 years old. What is your mummy's name? My mummy's name is Mrs. Neha. What is your papa's name? My papa's name is Mr. Raja. सो ऑन पेज नंबर 2 स्पाइरल की पेज नंबर 2 पे हमने अपना क्या ट्रेसिंग किया था, हैंड, और उसमें कलरिंग किया था. और हमने ट्रेसिंग क्यों किया था, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो स्पाइरल है वो किसकी है, हमारी है. सो नाउ बेटा, हमने अब पढ़ा था अनीता के बारे में और अनीता की फैमिली के बारे में. अनीता एक बहुत ही प्यारी सी स्मॉल सी आप जैसी छोटी सी गर्ल है. उसके फादर हैं, मदर है और उसका ब्रदर है. और साथ में कौन है, अनीता के ग्रैंडफादर हैं और अनीता की ग्रैंडमदर हैं. और अनीता के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर अनीता को क्या सुनाते हैं, स्टोरीज. क्या सुनाते हैं अनीता को, स्टोरीज. सो नेक्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था, माय होम, अपने घर के बारे में. सो आपको जो पसंद था कलर आपने अपने घर में किया था. फिर हमने क्या बनाया था, हमें कुछ भी ऐसा चीज़ बनाना था जो हमें अपने घर में सबसे ज़्यादा पसंद है. बनाना तो हमको 1 था, बट मैम ने तो 2 बना दिया. तो आप भी वो बना सकते हैं चीज़ें जो आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट, इस ब्लॉक में हमको क्या करना था, आपके रूम में जो भी बेस्ट कलर है वो आपको करना है. तो मैम के रूम में पिंक कलर बेस्ट है, तो मैम ने वो कर दिया है. सो नाउ किड्स, आज हम क्या करेंगे, पेज नंबर 6 पर प्ले, खेलने के बारे में पढ़ेंगे. और ये खेल कौन खेल रहा है, वो उस गर्ल का नाम क्या था, अनीता. अनीता प्लेज विथ हर फ्रेंड्स इन स्कूल. अब जो अनीता है, कौन है, अनीता है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करती है, खेलती है. कहाँ पर, अपने स्कूल में. कहाँ खेलती है, अपने स्कूल में. अनीता प्लेज विथ हर ब्रदर एट होम. अनीता घर में किसके साथ खेलती है, अपने ब्रदर के साथ. अपने ब्रदर के साथ. अनीता प्लेज विथ हर फ्रेंड्स इन द पार्क. और जब अनीता पार्क में जाती है तो वो किसके साथ खेलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ. अपने फ्रेंड्स के साथ. तो अनीता जब स्कूल जाती है तो वो किसके साथ खेलती है, अपने फ्रेंड के साथ. घर पर आती है अनीता तो अपने किसके साथ खेलती है, ब्रदर के साथ. और जब वो पार्क जाती है तो किसके साथ खेलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ. ऐसे ही जब आप लोग स्कूल आएंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे. घर पे आएंगे तो अगर आपका ब्रदर है या सिस्टर है, या ब्रदर और सिस्टर दोनों है, तो आप उसके साथ प्ले करोगे. और जब मम्मा आपको पार्क लेके जाएंगे तो आप पार्क में किसके साथ खेलोगे, जो आपके पार्क में फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्ले करोगे. नेक्स्ट पेज नंबर 7 देखेंगे. अब यहाँ पे हमको अनीता का स्कूल बताया है, स्कूल दिखाया गया है. दिखाया है अनीता का स्कूल. दिस इज अनीताज स्कूल. ये किसका स्कूल है, अनीता का स्कूल है. और ये जो है, ये अनीता की क्या है, क्लासरूम है, जहाँ पे अनीता सिट होती है. जहाँ पे अनीता सिट होके क्या करती है, ए एप्पल, ब ब बॉल, ख ख कैट, ड ड डॉग, एह एह एग, फ फ फिश, ग ग गर्ल, ह ह हाउस, ए ए इंकपॉट. और ये कौन है, गरिमा की, अनीता की टीचर है गरिमा मैम. ये कौन है, अनीता की टीचर है गरिमा मैम. सो दिस इज अनीताज स्कूल. ये अनीता का स्कूल है और ये अनीता का क्लासरूम है. ये अनीता का क्लासरूम है. एंड लास्ट पेज नंबर 8, इस
जितने भी पेज अभी हमने अनीता से रिगार्डिंग किए हैं उसमें से 4 क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो आपके ओरल के क्वेश्चंस हैं, वही हमें प्रैक्टिस करने हैं। रेस्ट हमें एक गर्ल के बारे में बताया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक्स में आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। दिस इज़ ओनली फॉर आपको रीडिंग, आपको देखना है और समझना है। ये कौन है? अनीता की क्लास टीचर है। जो क्लास में मैडम आपको पढ़ाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी क्लास टीचर। क्या कहलाती हैं? आपकी क्लास टीचर। क्या कहलाती हैं? आपकी क्लास टीचर। दिस इज अनीताज फ्रेंड। और ये कौन है? अनीता की दोस्त है। ये कौन है? अनीता की दोस्त है। जब हम आप भी स्कूल में आएंगे तो आपके भी क्या बनेंगे? फ्रेंड्स बनेंगे। दिस इज द स्कूल प्लेग्राउंड। अनीता प्ले हेयर। और ये जो है अनीता का स्कूल का प्लेग्राउंड है जहाँ पे सभी बच्चे साथ में मिलकर खेलते हैं। सो आज हमने अनीता के बारे में, अनीता के होम के बारे में, अनीता के स्कूल के बारे में, अनीता के क्लासरूम के बारे में, क्लास टीचर के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा है। सो आज अनीता का चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। सो आप भी वीडियो को देखेंगे और अनीता की जगह खुद को सोचेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।